स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में SSB ट्रेड्स में 1522 पोस्टों का जो फिजिकल होने वाला है, कुल 16 पोस्ट में से एक पोस्ट का हो गया है ड्राइवर का, कुल 15 जो पोस्ट बचे हैं जिनका फिजिकल होने वाला है और एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले बच्चों का एक ही कमेंट था कि सर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम फिजिकल में लेकर जाए, कुक वाले, सफाई वाले, सफाई कर्मचारी वाले, वाटर कैरियर वाले, वाशरमैन वाले, सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं नोटिस पे। और SSB की तरफ से एक नोटिस है, उस नोटिस में बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को फिजिकल सेंटर पर लेकर आना है, कितने फोटो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नोटिस। तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया गया है। सेकंड इन कमांडेड रिक्वायरमेंट सेल फ्रिक्वेंट SSB न्यू दिल्ली। और देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन टू द कैंडिडेट। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि बी प्रेजेंट एट द वेन्यू एट लास्ट 30 मिनट बिफोर स्टार्ट फॉर टेस्ट। मतलब बच्चे फिजिकल सेंटर पर 30 मिनट पहले आ जाए आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है। और यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट मस्ट कॉपी डाउनलोड ओरिजिनल। आप लोग ने जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था और उसमें जो आपको प्रिंट आउट मिला था वो प्रिंट आउट लेके आना है। एडमिट कार्ड ओरिजिनल आप लोगों को लेना है और 1 आइडेंटिटी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डिपॉजिट विदाउट डॉक्यूमेंट और बोर्ड फॉर SSB एट द टाइम डॉक्यूमेशन। दोस्तों बताया गया है कि आप लोगों को केवल एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, यहां पर 2 नंबर में बताया गया है, समझ गए। और जो भी बच्चे को यदि डॉक्यूमेंट के समय जितना कागज जाता है उतना लेकर आना है। बस अभी आप लोगों को एक प्रिंट आउट जो SSB ट्रेड्समैन में आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था और जिस समय आपको प्रिंट आउट मिला था वो लेकर जाना है, और आपका एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी हो आपको एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। फिर यहां पर बताया गया है कि यहां पर देखिए यहां पर पासपोर्ट फोटोग्राफ्स एट द टाइम PT PST बोला गया है कि सभी का कॉपी ले लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाएंगे सभी का एक एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेना है और फोटोग्राफ आप लोगों को वहां पर किया जाएगा PT PST के समय, समझ गया। और एक सर्विसमैन जो है वो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाए। और बता दिया गया है 5वें नंबर में देखिए, यू मे हैव स्टे फॉर 2 से 3 डेज PT PST एंड अदर टेस्ट देर फॉर कम पेड अकॉर्डिंगली। और बता दिया गया है कि आपको वहां पर 2 से 3 दिन रुकना पड़ सकता है PT PST के दौरान। और यहां पर बता दिया गया SSB विल नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी इंजरी। और बता दिया गया है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे जो भी आपके साथ दुर्घटना घटेगी तो SSB उसका जिम्मेदार नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि भर्ती को कभी भी SSB चेंज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। अब देखिए इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखिए, प्लीज वेयरिंग द सेल्फ एड्रेस इन्वोलप 11.5 सेंटीमीटर एंड 27.5 सेंटीमीटर पोस्टेज स्टम्प विदाउट 25 एफिलिक्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों इसमें पहले क्या होता था कि SSB में जो पहले फिजिकल होता था तो उस समय क्या होता था कि आप लोगों का जो डाक का जो कार्ड होता है जिसमें हम लोग डाक का कहीं पोस्ट करते हैं वो बोलता था लेके आना, लेकिन ये अब नहीं लेकर जाना है, समझ गए दोस्तों, ये अभी लेकर नहीं जाना है, समझ गए। और द 4 लेटेस्ट अप टू डेट रिजल्ट कैंडिडेट व्यू SSB रिक्वायरमेंट वेबसाइट पर। दोस्तों बता दिया गया है कि न्यू अप टू डेट के लिए आप लोग SSB के वेबसाइट पर सर्च करते रहे, देखते रहे, जल्द आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए आप लोग क्या लेकर जाना है, एक आधार कार्ड फोटो का एक, और आप लोगों को 4 फोटो और एक आधार कार्ड और जो आपने एडमिट कार्ड और जो आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय प्रिंट आउट किया था प्रिंट, वह लेकर जाना है, इसके अलावा कुछ लेकर नहीं जाना है। और दोस्तों आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, जल्द ही आप लोगों का फिजिकल शुरुआत होने वाला है, जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होने वाला है SSB ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों का, जिसमें 15 पोस्टों का फिजिकल अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।